जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोग को एक बॉर्डर का डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ कि हाउ टू मेक बॉर्डर डिज़ाइन फॉर मधुबनी पेंटिंग्स। सबसे पहले मैं एक पेपर ली हूँ, वाइट जो प्लेन है, उसको मैं सबसे पहले बॉर्डर की डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ कि देखिए बॉर्डर डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैं एक पेपर ली हूँ वाइट कलर का, एक पेंसिल ली हूँ और एक स्केल ली हूँ, एक शॉर्पनर ली हूँ और एक इरेजर ली हूँ। इतने चीज़ मुझे यूज करने हैं बॉर्डर बनाने के लिए। एक बात मैं और आपको बताऊँ, मुझे पेंसिल हर एक यूज़ नहीं करनी है। इसलिए हर एक पेंसिल मुझे यूज़ नहीं करनी है क्योंकि पेंटिंग बनाने के लिए डार्क पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डार्क पेंसिल यूज करो। जैसे कि मैं ये ली हूँ, ये डार्क पेंसिल है, मैं बता रही हूँ आपको। चलिए ठीक है, थर्ड स्टेप मैं आपको बॉर्डर बनाने के लिए जा रही हूँ। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक स्केल लूँगी। और एक बात का और मुझे ध्यान रखना है, कभी भी लाइनिंग हाथ से नहीं देनी है मुझे। हाथ से इसलिए नहीं देनी है कि उसमें टेढ़ा हो सकता है, लेकिन जब मैं स्केल से दूँ तो वो स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल, तो ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लाइन खींच रही हूँ। जब भी मैं बॉर्डर बनाऊं तो सिंगल लाइन नहीं दिए जाते हैं, डबल लाइन, ताकि आपका पेंटिंग यानी कि सुंदर लगे ज्यादा देखने में। इसलिए मैं डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए मैं बना रही हूँ।